हे गाइस मेरा नाम है अनुष्का एंड वेलकम बैक टू हेल्पिंग लिटिल जेम्स आज हम मिलकर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा ठीक है सो लेट्स बिगिन हम थोड़े की टर्म्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं ताकि इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर जस्ट अ लिटिल बिट मोर बेटर ठीक है और तो फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टर्स हमने बोला ट्राइम फैक्ट्राइजेशन इसमें फैक्टराइजेशन फैक्टर्स फैक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है फैक्टर्स आर दोज होल नंबर्स देर आर मल्टीप्लाई टुगेदर टू प्रोड्यूस अनदर नंबर ऐसे नंबर्स जिसे जब आप मल्टीप्लाई करते हो आप प्रोड्यूस करते हो एक दूसरा नंबर फॉर एग्जाम्पल टू इंटू फोर आपको देता है एट तो टू एंड फोर क्या बन गए टू एंड फोर बन गए एट के फैक्टर्स तो मल्टीपल क्या होता है मल्टीपल वो नंबर होता है दैट इज़ रीच्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर तो फॉर एग्जाम्पल अगैन वील टेक द एग्जांपल ऑफ टू इंटू फोर इक्वल्स एट यहाँ पर एट बन गया टू एंड फोर का मल्टीपल क्योंकि यू रीच्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग टू इंटू फोर तो टू इंटू फोर इज़ द फैक्टर्स ऑफ एट एंड एट इज़ द मल्टीपल ऑफ टू इंटू फोर ऑल राइट डन नाउ वट आर प्राइम नंबर्स हमने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये प्राइम क्या होता है प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैर हैव ओनली टू फैक्टर्स दैर इज़ वन एंड दम सेल्फ ऐसे नंबर्स जिसे जिसका फैक्टर्स बट बस वन एंड द नंबर इट सेल्फ है हम ये एक एग्जाम्पल के साथ बेटर अंडरस्टैंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल वी टेक द नंबर फाइव ऐसे कौन से नंबर्स है जिसे आप जब मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है फाइव सोचो सरा ऐसे कौन से नंबर्स है दैट इज़ राइट बस वन इंट फाइव आपको देता है फाइव और दूसरे नंबर्स है ही नहीं जिससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है आपका प्रोडक्ट एज फाइव राइट तो फाइव क्या बन गया एक प्राइम नंबर बन गया बिकॉज ओनली वन इंटू फाइव गिवस यू फाइव एंड देर आर नो अदर नंबर्स जिसे जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है फाइव एज अ प्रोडक्ट तो फाइव के बस दो ही फैक्टर्स है दैट इज़ वन एंड द नंबर फाइव इथ तो फाइव क्या बन गया फाइव बन गया एक प्राइम नंबर सिमिलरली इलेवन के साथ बस वन इं टू इलेवन गिवज यू इलेवन Right, there are no other numbers toh, uh, that are 11's factors. So 11, kya ban gaya? 11 ban gaya prime number, since it's only two factors are 1 and the 11, that is the number itself. Okay? composite numbers. Kya hai? Composite number is positive integer hai, that can be formed by multiplying two smaller positive integers. S a positive integer that has at least one factor other than one in itself. ऐसा नंबर जिसका वन एंड इट्स सेल्फ छोड़कर और भी दूसरे फैक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे द नंबर फोर फोर इंटू वन गिव्स यू फोर डन बट टू इंटू टू ऑल्सो गिवस यू फोर तो फोर के फैक्टर्स क्या बन गए ज़रा फोर बन गया वन बन गया और टू भी बन गया तो फोर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि फोर के अदर देन वन एंड द नंबर फोर इट्सल्फ दूसरे भी फैक्टर्स हैं राइट right? उसका दूसरा फैक्टर टू है तो फोर क्या बन गया एक कॉम्पोजिट नंबर बन गया फॉर एग्जाम्पल आप लोगे सिक्स इंटू वन गिव्स यू सिक्स बट टू इंटू थ्री ऑल्सो गिवस तो सिक्स के फैक्टर्स बन गए सिक्स वन टू एंड थ्री तो सिक्स क्या बन गया एक कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इट्स दैट इज सिक्स आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक फिगर जहाँ पर जो भी शेडेड नंबर्स दिए गए हैं वो सारे शेडेड नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और जो भी नंबर्स नहीं शेड किए गए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं आप एक ग्लान्स डाल सकते हैं उसके ऊपर टू जस्ट अंडरस्टैंड कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स कॉम्पोजिट होते हैं ठीक है ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप बाई स्टेप लॉन्ग डिविजन ऑफ नंबर्स फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन उसके पहले लेट्स सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एक ओरिजिनल नंबर वो प्राइम नंबर्स जिसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा ओरिजिनल नंबर वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑल द प्राइम नंबर्स दैट वन मल्टीप्लाई टुगेदर इक्वल द ओरिजिनल नंबर्स ठीक है तो प्राइम नंबर्स को जब जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा ये ओरिजिनल नंबर जिसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू टू इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेल्व क्योंकि थ्री इंटू टू देता है आपको सिक्स और सिक्स इंटू टू देता है आपको ट्वेल्व ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री इंटू टू इंटू टू हो गया क्योंकि थ्री इंटू टू इंटू टू वो प्राइम नंबर्स है जिसे जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है आपका ओरिजिनल नंबर दैट इज ट्वेल्व तो लेट्स लुक एट द स्टेप बाय स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिविजन मैथड तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप ऑल राइट आपका फर्स्ट स्टेप है कि यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली सो आप हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर टवेल्व राइट सो वी हैव टू डिवाइड ट्वेल्व बाय ऐसा नंबर जो एक प्राइम नंबर होगा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा जो ट्वेल्व को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है तो ऐसा नंबर बस टू ही है टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स ट्वेल्व एग्जैक्टली राइट तो हम लिखेंगे टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल डिवाइड ट्वेल्व बाई टू एंड यूल गेट सिक्स सो सिक्स इज गोइंग टू बिकम आर न्यू क्वेश्चन ऑल राइट right, समझ में आया आप okay? ओके अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट करना और हम सब आंसर कर देंगे ठीक है थीके? ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है आप ये भी याद रख सकते हो तो इस पे एक बार ये पढ़ लो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू इफ़ इट इज इवन और इट एंड्स इन जीरो टू फोर सिक्स और एट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय थ्री एंड अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव इफ़ इट एंड इन ज़ीरो और फाइव सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप टू तो अब आपका नया um, नया क्वेश्चन uh, क्या बन गया आपका नया क्वेश्चन बन गया सिक्स क्योंकि आपको आपने ट्वेल्थ को टू से डिवाइड किया तो आपको बन गया सिक्स मिल गया सिक्स राइट सो वी डिवाइड द क्वेश्चन अगेन बाय अ प्राइम नंबर डिवाइड्स इट एक्जैक्टली। तो जो हमने ट्वेल्थ के साथ किया हम सिक्स के साथ करेंगे ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो सिक्स को एग्जैक्टली exactly डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर है टू तो आप सिक्स लिखोगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर और टू लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर ओके okay? तो यू विल डू सिक्स डिवाइडेड बाई टू और आपको मिलेगा थ्री तो थ्री बन गया आपका नया क्वेश्चन वी रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन टिल द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ टू बी रिमेंबर वी ओनली यूज़ प्राइम नंबर्स टू डिवाइड तो बस हम प्राइम नंबर्स ही यूज़ करेंगे अगर आप देखोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अगर आपने थ्री लिखा है वो हुआ है यहाँ पर ओके एंड फॉर एग्जाम्पल यू कंटिन्यू तो यहाँ पर आप लिखोगे थ्री अगैन क्योंकि थ्री विल बिकम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड थ्री एग्जैक्टली राइट तो आप लिखोगे थ्री यहाँ पर एंड देन यू विल राइट वन इन द एंड तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनी वेज बन गया वन तो हम ये सब नहीं करते हैं एंड वी लीव इट एट थ्री थ्री इट सेल्फ बिकॉज वन इंट थ्री गिवज यू थ्री एंड दर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग थ्री अगेन एंड देन वन बस मतलब वी कैन लीव इट राइट हियर ओके ऑल राइट सो आपका स्टेप थ्री क्या है फिर बहुत सिंपल है आपका स्टेप थ्री वी मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स तो आपको मिल गए अब सारे प्राइम फैक्टर्स आपने ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन सक्सेसफुली कर लिया है और आपको मिल गए सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पर दैट इज टू इंटू टू एंड आपको मिल गया थ्री तो हम बस सारे प्राइम नंबर जो मिले हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमने किया ट्वेल्व इक्वल्स टू टू इंटू टू क्योंकि हमें मिले टू एंड टू यहाँ पर एंड इंटू थ्री बिकॉज टू एंड थ्री यहाँ पर ठीक है सो टू इंटू टू इंटू थ्री गिव्स यू ट्वेल्व क्योंकि आप देखोगे एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इट्सल्फरिजनल नंबर तो जब आप ये सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करोगे आपको ये ओरिजिनल नंबर मिलेगा जो हमारा था ट्वेल्व राइट right, तो अगर देखोगे ट्वेल्व इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू थ्री टू इंटू टू गिव्स यू फोर फोर इंटू थ्री गिव्स यू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ये सो so हमने सक्सेसफुली ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है आपको अगर कोई भी डाउट्स हो गए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा और हम सारे डाउट्स आंसर कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमने थर्टी सिक्स का भी प्राइम फैक्ट्राइजेशन uh, किया है मैंने एक इमेज अटैच की है आप थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करोगे बिकॉज टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स थर्टी सिक्स एक्जैक्टली राइट टू थर्टी सिक्स को एग्जैक्टली exactly डिवाइड करता है तो आप टू यहाँ पर लिखोगे फिर आप जब थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू करोगे आपको मिलता है एटीन जब आप एटीन डिवाइडेड बाई टू करोगे आपको तो आपको मिलता है नाइन एंड वेन यू डिवाइड नाइन बाई थ्री आपको मिलता है थ्री एंड वी स्टॉप देयर बिकॉज आर नेक्स्ट क्वेश्चन एनी वेज इज़ गोइंग टू बी वन सो हम ये सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री और हम लिखता है दिस आज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थर्टी सिक्स सो टू इंटू टू गिव्स यू फोर फोर इंटू टू गिव्स यू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व इंटू थ्री गिव्स यू थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सिक्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल राइट अगर आपको कोई भी डाउट होगे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख देना और हम आंसर कर देंगे So that is it for today guys stay tuned for the exercise video where we'll be discussing the exercises for long division method as well for prime factorization and take care and stay safe and we will be back very soon thank you for watching bye